नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है पंजाब से। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कोरोना फैल गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो हफ्ते में कोरोना केस 300 से बढ़कर रोजाना 6000 हो गए। अब वही मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। आपको बता दें, चलो गुरुवार को 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। पंजाब में पटियाला के बाद मोहाली कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। इनके अलावा अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और बठिंडा में भी कोरोना ने बेकाबू रफ्तार पकड़ ली है। मोहाली में गुरुवार को 914 पॉजिटिव केस मिले हैं। पटियाला में 776, अमृतसर में 731, लुधियाना में 670, वहीं जालंधर में 514, बठिंडा में 404, मुरदासपुर में 346, पठानकोट में 344, रोपड़ में 214, कपूरथला में 195, फतेहगढ़ साहिब में 189, फिरोजपुर में 115 और होशियारपुर में 115 केस मिले हैं। वहीं आपको बता दें, पंजाब में कोरोना जानलेवा होने लगा है। गुरुवार को अमृतसर, होशियारपुर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला और मोहाली में एक एक मरीज की मौत हुई है। पंजाब में एक्टिव मरीजों की गिनती 30,384 हो गई है। यह हालत तब है जबकि गुरुवार को 2,330 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 609 मरीज लाइफ सेविंग सपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इनमें 460 ऑक्सीजन सपोर्ट पर, 130 आईसीयू में और 19 वेंटिलेटर पर है। यह हालत देखने आने वाले दिनों में पंजाब में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।